दोस्तों, अगर आप भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, अगर आप पार्ट टू के छात्र हैं और परीक्षा की तिथि के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि पार्ट टू वाले छात्रों का परीक्षा जल्द ही लिया जाएगा। दोस्तों, यूनिवर्सिटी में अभी परीक्षा को लेकर सभी कार्य सम्पन्न होने वाली है और पार्ट थर्ड और पार्ट वन का एग्ज़ाम समाप्त होते ही पार्ट टू की एग्ज़ाम की तिथि जारी की जाएगी। और इसको लेकर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोग को परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, परीक्षा पैटर्न क्या होगा आप लोग का, गेस पेपर कौन सा लेना चाहिए और वीवीआई गेस क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है, ये सभी के बारे में इस वीडियो में बताया हूँ। तो आप लोग चैनल पे जाके और इस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं, इसमें कंप्लीट जानकारी मिली है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं कि पार्ट टू परीक्षा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पार्ट टू परीक्षा आप लोग को यानी सितंबर जो अभी चल रहा है इसके लास्ट वीक या आपको प्रथम वीक तक आप लोग का एग्ज़ाम प्रोग्राम लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम प्रोग्राम लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि प्रथम वीक में नवरात्रा आ रहा है अक्टूबर में, तो इस दिन ना हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम शेड्यूल और एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और आप लोग का जो परीक्षा वो लगभग 20 अक्टूबर के आसपास पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप लोग का होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको लेकर अभी संभावित तिथि जारी की गई है और परीक्षा को लेकर यूनिवर्सिटी में तमाम जो कार्य हैं वो चल रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन बनाने का कार्य है, एग्जाम शेड्यूल तैयार करना सारा ओके हो चुका है और पार्ट वन और पार्ट थर्ड का एग्जाम समाप्त होने का इंतजार किया जा रहा है। तो दोस्तों, 18 को एग्जाम समाप्त हो रहा है पार्ट वन और पार्ट वन वाले स्टूडेंट का, पार्ट थर्ड का तो हो गया, तो अब आप लोग का परीक्षा का शेड्यूल और कार्यक्रम जल्द ही जारी होगा। इसके लिए आप लोग हमेशा गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए खबरी सपाटा और पार्ट टू परीक्षा को लेकर एक डिटेल में पोस्ट लिखा गया है, वहाँ से उस पोस्ट को पढ़िए और साथ ही आपको वहाँ पे अभी वीवीआई गेस क्वेश्चन डाउनलोड करने का एक लिंक एक्टिवेट किया गया है, तो वहाँ से आप लोग वीवीआई गेस क्वेश्चन अपने ऑनर्स पेपर के हिसाब से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बार का आप लोग को पता है पैटर्न क्या रहने वाला है, तो ऑनर्स पेपर में आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम लिया जाएगा पेपर नंबर थर्ड और फोर्थ में, और बाद में की जो पेपर बचे सब्सिडरी और कंपोजिशन। मैं आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, बोर्ड हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कतें आ रही है, तो इसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करें, इसके बाद अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या टाइप करें और सबमिट करें। फिलो आपको 60 सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। इस ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाके डाउनलोड कर ले, जिसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और OMR sheet पे आपको जवाब देना होगा। OMR sheet कैसे भरते हैं इस पे मैं ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, और साथ ही आप लोग को गेस क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको दे दिया हूँ, और साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा जो कि 2015 से लेके और 20 तक का यानी 5 साल का देख लीजिए, बस इसी में से आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, तो आप लोग गूगल पे जाइएगा, खबरी सपाटा सर्च कीजिएगा और आपको पार्ट टू एडमिशन को लेकर एक पोस्ट है उस पर जाइए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे देखेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग उसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और साथ ही आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन 4 साल का मिल जाएगा। आप लोग देखिए और डाउनलोड कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।